क्षेत्र से टकराएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले, अपने पशुओं को भी लेकर बाहर नहीं जावे, केवल इतने भी बाहर नहीं लेकर जावे। और किसान जो बाहर खड़ाई करने के लिए या दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, वो लोग भी अभी अगले 2-3 दिन तक बाहर नहीं जावे, पेड़ों के नीचे भी नहीं बैठे। बिजली के पोल और बिजली की लाइन है, उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तूफान के साथ साथ भारी वर्षा की भी संभावना है, इसके मद्देनजर आप सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि पूर्ण सावधानी से आप रहें और अपने जीवन और जानमाल की मदद करें। धन्यवाद। ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि आज शाम या कल सुबह तक जो तूफान आ रहा है, विपुलदाय तूफान, वो अपने क्षेत्र के पास से गुजरेगा। इस तूफान की वजह से तेज हवाएं चलेगी और भारी वर्षा की संभावना है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि बिना किसी आवश्यक कारण के बिना आप लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जो लोग पशुपालक हैं, वो अपने भेड़ों को लेकर के कल बाहर नहीं जावे, अपने बाड़े में ही डाला डाल दे रहे। गांव की जो गवा है, वो भी आप लोग चराने के लिए नहीं ले जा रहे, उनको वही हेलो चरा डाल दे रहे। और जो बगलों में हमारे भाई बंधु रह रहे हैं हमारे क्षेत्र में, वो सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी बिना किसी काम के इधर उधर नहीं जावे, जहां पानी भरता हो उस स्थान पर आप लोग नहीं जावे। तालाब या नदी का कोई रास्ता हो, उस रास्ते पर आप लोग नहीं जावे। बिजली के पोल, बिजली की लाइन और पेड़ों के नीचे आप लोग नहीं बैठे। मेघ गर्जन हो सकती है, बिजली गिरने की भी संभावना रहती है, तो इस स्थिति को देखते हुए आप लोग पूर्ण सावधानी बरते। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी व्यक्ति को हो, कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। थाना पाली पर आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपके गांव के ग्राम सेवक सरपंच से संपर्क कर सकते हैं। जो लोग मजदूर कम गांव पर जा रहे हैं, वो भी 2-3 दिन तक इस भारी वर्षा को और तूफान को देखते हुए नहीं जावे। और मजदूर में रहने वाले भाइयों से मैं विशेष निवेदन करूंगा, माताओं और बहनों से, आप लोग बिना किसी आवश्यक के अपने स्थानों को नहीं छोड़े, पूर्ण सावधानी बरतें। इस तूफान में